हेलो एवरीवन, आप लोग दिख रहे हैं WS और यहाँ पे मेरे पास वही कल वाला मोबाइल फ़ोन स्क्रीन इनलार्जर और ये है उसी का पार्ट टू। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी सूर्य की रोशनी के फोकस पॉइंट में रखेंगे 10 अलग अलग चीज़ें। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सूर्य की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा और हम लोग रखेंगे 10 अलग अलग चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इस 550 डिग्री के फोकस पॉइंट पे रखेंगे ये सारी 10 चीज़ें, जो कि हैं रबर, सॉस, पेंसिल, कैप्सूल, एक लकड़ी, पटाखा, खीरा, पेन और कुंदरू। तो चलिए इन्हें बारी बारी से फोकस पॉइंट में रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी है हमारी कैप्सूल की। तो हमारे कैप्सूल में तो होल हो गया, लेकिन हमने कल के वीडियो से ये ऑब्जर्व किया है कि सफ़ेद रंग में ये 550 डिग्री का फोकस पॉइंट ज़्यादा कुछ असर नहीं कर पाता है। चलिए रबर पे भी देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखो रबर पे भी ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका कलर था सफेद। ये देखो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर इसी की जगह रखी होती हमारी पेंसिल तो फिर आप लोग देखते क्या होता, सॉस का क्या होता है। तो ये देखो हमारे सॉस के पैकेट में हो गया है होल मात्र 3 से 4 सेकंड में। पेंसिल का देखते हैं इसमें काला रंग, ओ माय गॉड, 1 सेकंड भी नहीं लगा धुआं निकलने में। तो ये होता है काला रंग, ऊष्मा का सबसे बढ़िया अवशोषक। और पेंसिल में आग भी लग गई, देखा आप लोगों ने, 1 सेकंड भी नहीं लगा और आग लग गई। तो कमाल हो गया पेंसिल रखने पर। तो अब इस लकड़ी में काला रंग नहीं लगा है तो ये देखो इसमें इतनी जल्दी से कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि ये भी जलने लगी, लेकिन पेंसिल कुछ ज़्यादा ही जल्दी जलने लगी थी। तो हमारी लकड़ी भी जल गई। अब की बार बारी है हमारे इस खीरे की। ये खीरा मैंने अपने घर पे उगाया था और आप लोग देख सकते हैं कितना अजीब खीरा है, नीचे बड़ा हुआ और ऊपर का हिस्सा बड़ा ही नहीं हुआ। तो खीरे में होता है पानी और इसी वजह से खीरे को भी तुरंत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये देखो बस थोड़ा सा ही नुकसान हुआ और इतना जल के सूख गया। अब पेन की बारी। दोस्तों पेन भी काफ़ी जल्दी पिघल गया और ये देखो यहाँ पे कैसा होल हो गया है, मानो कोई ब्लैक होल हो, ब्लैक होल नहीं वाइट होल है ये, तो वाइट होल। कुंदरू का भी देखते हैं, इसमें भी काफ़ी पानी होता है। तो कुंदरू का भी कुछ वैसा ही हाल है, इसमें ब्लैक होल हुआ है और इसका ब्लैक होल की गहराई बस थोड़ी सी ही है। और यहाँ पे हमारे पास सी कॉड ऑयल के कैप्सूल, इसे भी रख के देखते हैं। ये कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, ये 2 आंखें क्यों बन गई इसमें, ये एलियन बन चुका है। दोस्तों आप लोग इस एलियन का क्या नाम रखना चाहेंगे, मैं तो रखूंगा सी कॉड एलियन।
तो फिर सवाल के कैप्सूल कितना चमक रहा है जब भी हमने इस फोकस पॉइंट पे रखा, और ये अभी तक तो पिघला भी नहीं, ना कुछ जला। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर का तेल उबलने लगा। ये देखो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर के तेल में बुझबुझे निकल रहे हैं। अब जाके फूटा जब भी मैंने इस पे प्रेशर लगाया। तो चलिए पड़ाका फोड़ के भी देख लेते हैं। ये तो सुपर फास्ट निकला। तो फाइनली नोकिया बैटरी का समय आ गया है, मैं इस फोन की बैटरी को निकालूंगा। और निकालने का सबसे आसान तरीका है बैटरी का ये। बस बैटरी निकल गई, काहे का झंझट कवर निकालने का। मैं आपको पावर दिखाता हूँ इस फोकस पॉइंट की। और ये देखो आपकी आंखों के सामने ही छेद हो गया, वो भी आर पार। तो चलिए बैटरी को रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है और करीब मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट वेट किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई नोकिया में कितना दम होता है। कोई बात नहीं, अभी मैं एक पटाखे का बारूद भी इसके ऊपर रख देता हूँ और देखता हूँ कि शायद तभी कुछ असर हो जाए। तो ये रहा। दोस्तों 5 मिनट और हो गए हैं, अभी भी हमारी नोकिया बैटरी पे कुछ भी असर नहीं पहुंचा। हालांकि गर्म बहुत है, बहुत गर्म है, इसे पानी में डालना होगा नहीं तो हाथ जल जाएंगे मेरे। करीब 10 मिनट फोकस पॉइंट पे रहने के बाद भी, और इसे वापस लगाते हैं। हे भगवान, इस नोकिया में कितना दम है। करीब 10 मिनट फोकस पॉइंट पे ये बैटरी थी और अभी भी 100% चार्ज है, मोबाइल भी चल गया है और ये वही बैटरी है, आप लोग निशान देख सकते हैं इसमें। तो भाई इसके तो पैर छूने पड़ेंगे मुझे। कहाँ हैं इसके पैर, इसके चलन छूना तो बनता है। जय नोकिया, जय नोकिया, जय नोकिया, नोकिया की जय हो, हे भगवान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 3 भी बने तो जल्दी से जल्दी वीडियो में 5000 लाइक के गोल को पूरा कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी लाइक गोल पूरा हो जाएगा। और हाँ पार्ट 3 के आइडियाज़ भी कमेंट में बता देना। तो मैं मिलूंगा नई वीडियो में नई अमेजिंग आइडिया के साथ।